हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोगों का प्लान कर रहे हैं थोड़ा उत्तराखंड साइड जाने का। एग्जैक्ट जगह मैं अभी आपको रास्ते में बताऊंगा, तब तक चलने से पहले जरा मिलते हैं सबसे। सो हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। और अभी ये अभी बताना था देहरादून। हाँ पापा। हाँ जी। तो क्या टाइम हो रहा है? एक बज रहे 5:10 हैं। तो सोचो हम 5 बजे निकल रहे हैं, तो हिसाब से देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, रुकते रुकाते मिलते हैं रास्ते में। बाय गाइस। और थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है और अब नींद जो सबको आ रही थी ना, तो हम लोग अभी बीच में रुके तो सबकी नींद भी गायब हो गई है। तो अभी जरा मिलते हैं सबसे पूछते हैं सबको कैसा लग रहा है रास्ते में। हाँ जी बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कितने देर में पहुंचेंगे क्या लगता है आपको? 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आगे हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर वहां पे कैमरा एक बार रिकॉर्ड करते हैं। हरिद्वार के रास्ते में जाते हुए एक रूट ये भी है जहां पे दोनों तरफ अच्छी खासी ग्रीनरी है, खुला रोड है, फ्रेश एनवायरनमेंट है, फॉग है और हम सब हैं। सबसे मिलवा देते हैं पहले। मैं मेरे को तो जानते ही हैं। हाँ, हमेशा की तरह सीरियस मोड पे ड्राइव करते हुए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। हेलो गाइस। इस बार हम सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। वेदर बहुत प्यारा है, मार्च का महीना है और हल्की हल्की धूप आई हुई है। लोग मेरठ से मणिकर्णनगर क्रॉस करके आगे रूजी के पास एक मस्त सा ढाबा मिला है अपने को। लोग वहाँ रुके हैं। ये देखो हम यहाँ पे, ये लोग लग गए अपने फ़ोनों में। मैं एक बार सामने से देखते हैं, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये देखो नींद पूरी हो गई है। अब हम हरिद्वार जस्ट पहुंचने वाले हैं। हल्के हल्के से पहाड़ दिखने यहाँ से शुरू हो गए हैं और मौसम भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा ठंडा शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर में बस हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हर की पौड़ी पे वहाँ करेंगे फन। और ये आर्मी का ट्रक, और अब हम लोग आ चुके हैं हर की पौड़ी पे। पानी बहुत चढ़ा हुआ है, गंगा मैया में बहुत सारा पानी है। लोग यहाँ पे इतनी सर्दी में भी अच्छे से नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे छोटी सी मार्केट है। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें भी एक डुबकी लगाने का मौका कहीं ना कहीं मिल जाए, बट मिल नहीं रहा है। बात ये है, और यहाँ पे मेरी फैमिली अपनी फोटोग्राफी में लगी हुई है। मस्त, सब एंजॉय कर रहे हैं। हवा बहुत प्यारी चल रही है, पानी बहुत प्यारा है, मौसम बहुत प्यारा है, ये भी प्यारी है। मम्मी, हम जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ पर एक डुबकी लगाने का मौका मिले, लेकिन इस ठंडी हवा से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि पानी कितना ठंडा है इस वक्त। पानी तो बहुत चल रहा है, पानी बहुत चल रहा है। गाइस, कुछ कहना चाहोगे आप? इस पानी को देख के कैसा मन कर रहा है, डुबकी लगाने का मन कर रहा है? मन तो कर रहा है, चल के लगा। भाई देखो, हवा ठंडी है तो पानी ठंडा है, और मार्च के महीने में वो जरूरी भी है। तो अब हम गंगा मैया में आ चुके हैं। हरे देखो, पापा मस्त डुबकी लगा रहे हैं पानी में। ये सोच रहे हैं पानी में जाऊं या ना जाऊं। पानी इतना ठंडा है यार, इतना ठंडा है क्या बताऊं। रफ्तार आप देखो, मतलब लिटरली मैं पानी में खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है पानी में? चिल्ड, एकदम चिल्ड। ये सोच रहे हैं पानी में जाए या ना जाए। पहले
जो पहले पैर रखा था फिर भी ज़्यादा लग रहा था, अभी फिर भी थोड़ा सा एक्लिमेटाइज हो गया है। अब ये पापा को देख के अब ये फैल गई हैं। ये देखो अब इनका शुरू, ये देखो शुरू 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 शुरू, वाह वाह वाह। नहीं मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। आलिया तो चलो ज़रा एक बार यहाँ का आसपास का व्यू दिखाते हैं फिर आगे चलेंगे। बहुत सुंदर लग रही है यार हल्की बॉडी। चलें फिर। ये हर की पौड़ी पे ये लोग अपनी फोटो शूट करवाते हुए, फोटो शूट करते हुए पीछे पानी है, यहाँ पे पापा है, पीछे मम्मी है, ये लोग अपने फोटो शूट में लगे हुए हैं। अब हम पीछे, पानी बहुत ठंडा है, बहुत प्यारा है। हम लोग अभी पानी के अंदर गए थे, सच में पैर रखते ही ना जान से निकलने लगी थी, बहुत सर्दी है, बहुत ठंडा पानी है। और यहाँ मस्त फोटोशूट चल रहा है, मस्त मस्त। मतलब आप कह सकते हो कि इतनी सर्दी है, पानी ठंडा है, फिर भी लोगों की भीड़ यहाँ कम नहीं है। बात श्रद्धा की है, कैसे कोई पीछे रह सकता है। और हम लोग ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। ये राजा जी नेशनल पार्क है, इसके बीच में से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन वाला हाईवे था उस पे थोड़ा सा अपने को कंजेशन दिखा रहा था, तो इसलिए गूगल मैप ने एक और रास्ता सजेस्ट किया। तो मैं इस पे शायद पहले से गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक बार ये वाला ट्राई करते हैं। और सही में काफी सीनिक रास्ता है यार, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जंगल सफारी की फील दे रहा है ऑलमोस्ट। देखते हैं यहाँ से कितनी देर लगती है। टाइम ये ऑलमोस्ट वैसे उतना ही दिखा रहा था, लेकिन मतलब जो रास्ता है उसमें ये थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, वो प्रॉपर सीधा हाईवे है, बट सिंस उस पे जाम लगा हुआ था तो इसलिए गूगल मैप ने ये सजेस्ट किया। बट कोई बात नहीं, ये रास्ता बहुत प्यारा है। एटली अगर आप ये कहो ना कि ब्यूटी एंजॉय करनी है नेचर की, तो ये रूट बेस्ट है। और काफी गाड़ियां आ भी रही हैं इस पे, एक बार को भी अपने को लग रहा था कि शायद हमने मतलब गलत तो नहीं ले लिया, बट गाड़ियां चल रही हैं इस पे काफी, क्योंकि जो मोस्टली लोग गूगल मैप फॉलो करते ही हैं तो सबको दिख ही रहा होगा ये वाला रास्ता। और अभी मैं देख रहा हूँ गूगल मैप पे टाइम भी अब कम हो रहा है अपना, आधा घंटा दिखा रहा है यहाँ से। तो चलो चलते हैं आगे ऋषिकेश में, एक त्रिवेणी घाट है वहाँ का प्लान कर रहे हैं, वाटरफॉल है, तो देखते हैं पहले कहाँ जाना हो पाता है, आगे रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी रास्ते में हमें ये थोड़ा सा बहुत सुंदर नजारा मिला है, तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर ही लें, इसको क्यों छोड़े। आगे एक बार वो पुल पे दिखाओ जरा, ये भी यार एक रिसॉर्ट है, ट्राई कर सकते हैं ये वापस आते हुए। ये देखो ये बैराज डैम है, ये आगे जाके नीलकंठ का रास्ता पड़ता है, तो ये एक पैरेलल रूट है, ये बहुत सही है। और मुझे याद आ रहा है वीर रिसॉर्ट, जब मैं लास्ट टाइम आया था वीर रिसॉर्ट अपना उस साइड पे ही था कहीं। मतलब इस पूरे रूट पे, एक तो रूट बहुत प्यारा है, ऊपर से यहाँ पे जगहें बहुत प्यारी प्यारी है, सो इस रूट पे आना वर्थ इट हुआ। करेक्ट। करो ये देखो और ये साइड में बहुत ही प्यारा सा स्टोन आर्ट हो रखा है, दोनों तरफ से दिखाना जरा, कैप्चर करना। यहाँ पे स्लो स्लो गाड़ी चला रहा हूँ मैं, इसलिए कि कैप्चर हो जाए अच्छे से कैप्चर हो जाए और थोड़ा सा हम व्यू भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि पूरा दिन अपना है तो व्यू एंजॉय करते हुए ही चलना है। और अभी जब कैमरा ऑफ कैमरा बीवी जी ने हमें बोला कि थोड़ा सा कैमरा रिकॉर्डिंग हमें अच्छे से करने दें, मैं बीच में अभी इनको टोक रहा था, तो इसलिए मैं आराम से चला रहा हूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड करो। और नहीं तो क्या, ये देखो हनुमान जी के रूप, देखो कितने सारे बंदे हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए वरना अभी डाल देते हैं यहाँ पे। और अभी उतरना भी रिस्की है ना वैसे तो। हाँ। वो देखो हमें घूर भी रहा है बंदर, देखो कितने प्यार से रिवर के साइड में दो बंदर बैठे हुए हैं, साइड में प्यारी सी रिवर चल रही है, ऊपर पहाड़ है और इतना प्यारा रूट है, मजा आ रहा है सच्ची, मस्त मस्त। सो गाइस अभी हमें जाते जाते एक रिवर के पास रुके हुए हैं, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे तो हमने भी सोचा हम भी रुक जाए, ये देखिए
यहाँ से एक छोटा सा पुल है, नीचे से रिवर जा रही है, वो मतलब बहुत ही सुंदर है यार। खैर ये मेरे खानदान की फिर से फोटोग्राफी शुरू हो गई है। कैसी लग रही है आप लोगों को ये रिवर गाइस? सही है यार, ये जो पैरल ये रास्ता है ना बैराज डैम वाला, ये हमेशा ही सुंदर लगता है, बहुत कलर इतना प्यारा आ रहा है ना पानी का। मजा आ रहा है मम्मी? बहुत मजा आ रहा है। पापा? हाँ जी, मजा आ रहा है। हमने ये वाला रास्ता चूज किया, बहुत ही अच्छा रास्ता है, नदी का किनारा है, नदी के किनारे किनारे रोड बना हुआ है, जंगल है, नदी के ऊपर जंगल है, जंगल के ऊपर पहाड़ी है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर रास्ता। व्यू तो बहुत प्यारा है, जैसे आप देखिए उधर पहाड़ है, फिर नीचे रिवर है, और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ प्रॉपर जंगल है, घना जंगल है, और लोग ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें अच्छे खासे जानवर भी हैं। सो गाइज, मुझे तो इस रूट पे और इस जगह आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रिफ्रेश हो रखी हूँ मैं यहाँ पर आके। हरिद्वार से आए हैं, ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, सो कह सकते हैं लॉट्स ऑफ फन यार, लॉट्स ऑफ फन। और सडनली रिवर का हम मज़ा ले रहे थे, और हमने सडनली एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर इतने सारे चमगादड़ आ गए हैं, इनका घर चमगादड़ों का घर है यहाँ पर, और ये देखिए ना इतने सारे चमगादड़ सडनली पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। इस रूट पे चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है, लाइक बहुत ही सुंदर नजारा है यार। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप है बट लग बहुत अच्छा रहा है। ये रिवर जाती होगी ना, ये रिवर के ऊपर से बनाया हुआ है, थोड़ा बरसातों में शायद नहीं चलता होगा रास्ता, ये थोड़ा सा रोड खराब सा है बट उतना भी नहीं है, आराम से निकल सकते हैं इस रास्ते से। यार ऐसा लग रहा है कि इस पूरे रूट को ही मैं कैप्चर कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे पीछे हो ना कुछ नया सुंदर नजारा आ जाता है। देखो यार रिवर तो जैसे साथ छोड़ ही नहीं रही है, इस रूट पे पूरे रूट पे रिवर है। सो हम लोग देहरादून में एक जगह है, यहाँ पे आए हुए हैं, वाटरफॉल है, वाटर पार्क है, तो अभी अभी जैसे हम पहुँचे हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, अगर पानी का फ्लो भी देखो जरा। हाँ भाई चलना है पानी में है, क्या चीज, चलो 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 पानी में चलते हैं जरा थोड़ा सा। ये देखो ये वाटर पार्क एरिया बहुत सही लग रहा है, ये सब लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, काफी मस्ती हो रही है, चलो हम भी करते हैं मस्ती। हम लोग आए हुए हैं सहस्त्र धारा में, ये एक देहरादून में जगह है, और ये चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, लिटरली चारों तरफ पानी, देखो पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओ इधर देखो, बोलो जय माता दी, पानी ही पानी। खादी हो गई, बहुत पानी है यार, पानी ही पानी है हर जगह, पानी ही पानी, पानी ही पानी। क्या है मम्मी? बहुत पानी है, बहुत पानी है। कैसा पानी है, ठंडा है? ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे तरह का पानी, मस्त मस्त। यार ये जगह बहुत प्यारी है क्योंकि यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी है, ये देखो पापा पानी में है, मम्मी यहाँ अलग मजे ले रही हैं पानी के, वो वहाँ फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं सहस्त्र धारा देहरादून में, व्यू आपको दिख रहा है कैसा है, ये मम्मी पापा। Hello guys. Bye.
पानी काफी ठंडा है, उतना साफ नहीं है पर ठंडा बहुत है यार। और जैसे कि उधर दिख रहा है पूरा झरना सा बना हुआ है पानी का। कैसा लग रहा है सबको? मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं? कितने मजे आ रहे हैं? देखो मुझे कैमरा धमाके, ये पानी में भाग के जा रही है। छपाक, ये किया छपाक। और ये मम्मी पापा ऐसे देख रहे हैं बेचारे हैं। और ये अब देखो पापा पापा भी शुरू, पापा भी शुरू हो गए। पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है पानी के उसमें, लेकिन बहुत सही मज़े कर रहे हैं ये लोग। ये संस्थाधारा हम लोग आए हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर और मस्ती करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर चलते हैं आगे, आगे दिखाएंगे। कैसा लग रहा है पानी? कैसा है पानी? ठंडा लग रहा है सबको बहुत ज़्यादा। चलो हाँ अभी यहाँ से थोड़ी देर निकलते हैं कुछ खा के, फिर देखते हैं। पानी से निकल कर अभी हम लोग आ गए हैं कुछ कैफेटेरिया में कुछ खाने पीने, लेकिन इस कैफेटेरिया से व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ जी पापा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मम्मी? मम्मी बहुत अच्छा लगा, मम्मी को तो। हाय, कैसा लग रहा है? सो वॉक करते करते हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्यूट सा वाटरफॉल मिला है, बहुत बड़ा नहीं है बट क्यूट बहुत है। कैसा लग रहा है सबको वाटरफॉल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है यार एकदम। हाँ भाई, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड नहीं है बट छोटा सा है, क्यूट सा है। और यहाँ नीचे पानी 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 ब्लू है, पानी पानी पानी, आज पूरा दिन पानी ही पानी है बस। सहस्त्रधारा का वाटरफॉल है।